फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, चैनल पे नए हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस स्टार सीड पिंक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप लोगों की, कुछ भी मतलब समझने में दिक्कत हो, आप लोग मुझसे ज़रूर सवाल पूछ सकते हो, आप लोग मुझसे कन्फ्यूज कर सकते हो कॉमेंट में, ई मेल पर या फिर टेलीग्राम लिंक पे। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं सारे लिंक्स। आप लोगों को जो भी पसंद है आप लोग मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक गाइस मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ मेरे वो पहले वाला चैनल यूनिवर्स 1111, वो उसका भी मैंने लिंक दे दिया है, तो आप लोग वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो मेरे टैरो रीडिंग का चैनल है, उस पर मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेके आती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ। और आप लोगों की अगर कुछ टॉपिक है, आप लोग कुछ जानना चाहते हो, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लव्ड वंस के बारे में, अपने लव रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, चाहे जो कुछ भी हो आप जानना चाहते हो टैरो रीडिंग के थ्रू, तो आप लोग वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर टॉपिक बता देना, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर टैरो रीडिंग लेके आती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब करना, यूनिवर्स 1111। तो थैंक यू सो मच, और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। यही कि डीएम का कर्मा बैगेजेस के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। क्या सिर्फ डीएम्स को ही, मतलब डिवाइन फेमिनेंस को ही कर्मा बैगेजेस मिलते हैं? क्या उनको ही बहुत सारे कर्मा भोगने पड़ते हैं? ठीक है, जो भी डिवाइन फेमिनेंस के माइंड में ये सवाल उठते हैं कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करती हूँ अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, और डिवाइन मैस्कुलिन तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है उनको, हम इतना अनकंडीशनल लव करते हैं, वो तो कुछ सोचते ही नहीं है, ओके मतलब वो तो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश इंजॉय कर रहे हैं, हमारे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं, हमसे भागते हैं, ठीक है, हमसे रन करते हैं, हमको इग्नोर करते हैं, ओके और हम तो उनके पीछे पीछे सिर्फ जाते हैं, ठीक है, और उनको चेस करते हैं। ये सारे सवाल, ठीक है, जितने सारे सवाल आपके माइंड में उठते हैं, ठीक है, जो सारे डिवाइन फेमिनाइज है, अगर आपके माइंड में ये सारे सवाल है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए ही ये वीडियो लेके आई हूँ, जिन सारे डिवाइन फेमिनाइंस के माइंड में ये सवाल है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन तो बहुत ज़्यादा खुश है अपने लाइफ में, और मैं ही दुखियारी सी अपने लाइफ में इनर वर्क करती जा रही हूँ, डिवाइन टाइमिंग की इंतज़ार करो, ये करो वो करो, सारी चीज़ें हमें ही करनी है, क्यों, ठीक है। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब मिले हैं इस वीडियो में, ठीक है, मैं आपको दूंगी, और आपके आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है आज ये वीडियो देख के आपके आंखों की पट्टी भी खुल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है, ध्यान से सुनना समझना, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन लगे, कुछ भी मेरी बातों में आपको मतलब क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चन था तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, दिक्कत हो समझने में तो आप लोग मुझसे कमेंट में बता सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइज। तो पहले मैं बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ओके। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसे जर्नी होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है, जिसमें हमें कर्मा बैगेजेस को क्लीन करनी होती है, क्लियर करनी होती है, ठीक है। पास्ट लाइफ में जितने सारे हमने कर्मा किए हैं, कर्मा क्रिएट किए हैं, तो उन सारे कर्मास को हमें क्लीन करनी होती है, ठीक है। और ये भी मैंने सुना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी लास्ट बर्थ होती है, ठीक है, आपको जो सारे इंसान हैं, ठीक है, इस दुनिया में मतलब जो भी सोल है, मैं कहूँगी, ठीक है, जो भी सोल है, मैं इंसान नहीं कहूँगी, कोई एनिमल्स भी नहीं कहूँगी, क्योंकि सारे एनिमल्स के अंदर भी एक सोल है, ठीक है। क्या पता वो एनिमल्स पास्ट लाइफ में एक इंसान हो, ठीक है, या फिर हम भी कोई एनिमल्स ही थे पास्ट लाइफ में, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो सोल की नज़र से आप देखो, आप ये मत देखो कि ये एनिमल्स है, ये इंसान है, ये मत देखना, आप लोग ये देखो कि कौन सोल है, ठीक है, सोल को आप नज़र करो, ठीक है। सारी जो हमारे अर्थ में है तो वो सारी ही सोल ही है, ओके, बहुत सारी सोल्स ही है हम जो मतलब अलग अलग शरीर हमने धारण किया है, ठीक है, मतलब सोल को एक चाहिए, एक मतलब घर चाहिए, तो वो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो चाहे एनिमल्स हो, वो चाहे इंसान हो, ठीक है, तो सोल, हाँ,
तो ट्विन सोल जो होते हैं, ठीक है, जो सारे हम पास्ट लाइफ में जो सारे कर्मा क्रिएट करते हैं, वो सारे कर्मास को हम इस अर्थ में क्लीन करने के लिए आते हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ कि ये अर्थ जो होते हैं, ठीक है, एक कर्मा क्लीन करने के लिए, हमारे सारे कर्मा बैगेजेस को क्लीन करने के लिए, ठीक है, ये एक पथ होती है, ठीक है, ये एक जरिया होता है ये अर्थ, ठीक है। सारे जो मैं मानती हूँ, सारे जो सोल होते हैं वो किसी ना किसी अदर प्लेनेट से होती है, किसी ना किसी अदर डायमेंशन से होती है, ठीक है। और ये अर्थ जो एक बनाया गया है, ठीक है, ये जो प्लेनेट 3D प्लेनेट जो गॉड ने बनाया है, मैं मानती हूँ, पता नहीं लोगों का क्या नज़रिया है, लेकिन मैं जो जानती हूँ जे कि ये जो अर्थ है ये कर्मा क्लियर करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। गॉड ने बनाया है स्पेशली कि जो भी कर्मा कोई भी अदर प्लेनेट में, अदर डायमेंशन में, ठीक है, अदर कुछ मतलब कोई होता है ना जगह, ठीक है, तो वो सारी जो कर्मा आपने किया है, तो जाओ अर्थ पे जाओ और अपना कर्मा क्लीन करो, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं ट्विन सोल भी। आप यूनिवर्स से जब मतलब इस अर्थ पे आते हो, बर्थ लेते हो, ठीक है, जन्म लेते हो, तब क्या होता है कि जो ट्विन सोल, ठीक है, एक ही सोल होते हैं जिसे यूनिवर्स अलग कर देते हैं, ठीक है, कि तुम मेस्कुलाइन हो और तुम फेमिनाइन हो। एक ही सोल के दो पार्ट, मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है, दोनों को अलग कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जाओ तुम अपने अपने कर्मास को क्लियर करो इस अर्थ पे, ठीक है। और एक एक टाइमिंग दिया जाता है उन लोगों को, डिवाइन टाइमिंग जो कहते हैं हम लोग, ठीक है, कि इस टाइमिंग पे ही तुम्हारे कर्मा क्लींस होंगे, ठीक है। अगर तुम डिले करोगे तो ये टाइमिंग बढ़ भी सकता है, और तुम अच्छे से अगर करोगे तो ये टाइमिंग कम भी हो सकती है। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे अपने कर्मास को क्लीन करते हो, कैसे खुद को एक बेस्ट वर्जन में ले आते हो, ठीक है, खुद को एक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो, ये तुम्हारे हाथ में, ठीक है। तो इस तरह से ही डील करके गॉड के साथ एक ट्विन सोल इस अर्थ पे आते हैं, ठीक है, दो सोल बनके, दो बॉडी में, ओके। लेकिन सोल तो वो एक ही होते हैं, ठीक है। आम इंसान की हो, नॉर्मल इंसान की क्या होता है कि वो एक ही बॉडी में होते हैं कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होते हैं, ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम जो जर्नी उनको मिलती है, जो जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी मिलते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिलते हैं, उन लोगों का क्या होता है, वो लोग एक ही मतलब बॉडी में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। आप लोगों ने राधा कृष्ण सीरियल देखी होगी, वहाँ पे एकदम फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि सुदामा ने राधा जी को कर्ज कर देता है, ठीक है, कि तुम जाओ अर्थ पे, तुम 100 सालों तक खुद को और खुद के प्रेम को, कृष्णा को भूल कर रहोगे, ठीक है। तो वो राधा कृष्ण भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही थी, ओके। तो इसी तरह से क्या होता है, ट्विन सोल को भी जो पास्ट लाइफ में वो क्या थे, ठीक है, कोई मतलब किस डायमेंशन में थे, क्या हो, मतलब क्या उन्होंने कर्मास किए, सारे कुछ उनको भुला दिया जाता है, ठीक है। वो इस अर्थ पे आते हैं एक नए जन्म लेकर, ओके, नई तरीके से शुरुआत करने के लिए वो भूल जाते हैं। और एक टाइम पे जब उनकी एकदम हायर लेवल पे उनके अवेकनिंग हो जाती है, ठीक है, वो लोग 5D से 6D डायमेंशन तक चले जाते, फिर उनको धीरे धीरे से पास्ट लाइफ, ओके, उनको दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी गाइस, ये मैंने आपको पहले बताया। अब मैं बताऊं कि आपको कि जो आपको लगता है कि DM को कर्मा पैकेजेस नहीं मिलते हैं, तो ये बहुत ही आपकी मतलब गलत धारणा है, ठीक है। तो ये मैं आज आप लोगों की सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन क्लियर करूंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बता देती हूँ कि जो हमारे DM होते हैं, ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो इसमें क्या होता है, जो मैस्कुलिन सोल होता है, मतलब DM, डिवाइन मैस्कुलिन, उन्हें कर्मा बैगेजेस ज़्यादा मिलते हैं, ओके। फेमिनेंस को भी मिलते हैं, पर वो एक टाइम आने के बाद अवेक हो जाते हैं और वो जो सारे कर्मा बैगेजेस है वो उन्हें कंट्रोल करना जानते हैं, कैसे उसको मतलब क्लीन करनी है, ओके, उनको एक पथ मिल जाता है, ठीक है, ये पता हो जाता है, और कैसे अपने अंदर इनर पीस लानी है, जो मेडिटेशन करनी है, जो इनर हीलिंग करनी है, गॉड को सरेंडर करनी है, ठीक है, अनकंडीशनल लव करनी है, उनको ये पता लग जाता है। और क्या होता है, वो मतलब सारे जो कर्मा उनको मिलते हैं उनसे वो डील करने लग जाते हैं, डील करना शुरू कर देते, ठीक है, उनको पता होता है, एक एनर्जी मिलती है, जैसे वो हैप्पी मतलब रख सके अपने सारे, ठीक है, मतलब हैप्पी हैप्पी रह के वो अपने कर्मा को क्लीन कर सके, और जो सारे जो
कर्माज जो बैगेजेस मिलते हैं एक डिवाइन फेमिनाइन संभाल सकते हैं, ओके okay? लेकिन मैस्कुलाइन ज्यादा टाइम तक वो डिस्टॉर्डेड रहते हैं, ठीक है, एक उंडेन मैस्कुलाइन जो कहते हैं हम, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब आप कह लो कि इनसिक्योरिटीज इस तरह से फेयर इस तरह से रहते हैं, ठीक है, जो इंटेंस लव को बहुत ज़्यादा डरते हैं, इस तरह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं मैस्कुलाइन के अंदर, ठीक है, और कार्मिक बैगेजेस को बहुत ज़्यादा झेल रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि कैसे उसको क्लीन किया जाए, कैसे उससे डील किया जाए। लेकिन डिवाइन फेमिनाइंस एक टाइम पर अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं उन सारी चीज़ों से जिससे वो ट्रिगर होते हो, तकलीफ होती हो, बट डिवाइन मैस्कुलाइन उन सारी चीज़ों से अनजान होते हैं, अपने डीएम को मतलब एक प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, थीके? तो नेगेटिविटी से मतलब कैसे डील करनी है उनको नहीं पता, खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, ओके। डिवाइन मैस्कुलाइन का कर्मा बैगेजेस ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे कार्मिक साइकिल में वो फंसते जाते हैं, अपने आप को निकाल भी नहीं पाते, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते, तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि उनकी साइकिल पूरी ना हो, ठीक है। तो आप लोग जो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन्स को कर्स करते हो, बुरा भला कहते हो, ठीक है, और तो आई होप इस वीडियो को देख के नेक्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं करोगे, ओके, क्योंकि वो जो सारे कर्मास को भोग रहे होते हैं वो आपके ही पास्ट लाइफ कर्मा है गाइस। आप ये कहोगे कि कैसे हमारी कर्मा कैसे है कि हम तो हमारी कर्मा लेके ही मतलब बर्थ लिए हैं, हम हमारी कर्मास को क्लीन करें, नहीं गाइस, ठीक है, आपके जो आधा कर्म है, आप तो एक ही सोल हो ना, आप क्यों इस तरह से देख रहे हो कि आप दो सोल हो, आपके पार्टनर एक सोल है, हम एक सोल है, नहीं, आप और आपके पार्टनर एक ही सोल हो, आप फेमिनाइन सोल हो और वो मैस्कुलाइन सोल है, ठीक है। तो आपके जो कर्मा है, ठीक है, वो आधा कर्मा आपके डीएम ने ले लिया है। जब आप लोग इस दुनिया में बर्थ लिए थे तब यूनिवर्स से जो डील किए हो, तब यूनिवर्स के सामने ही आप दोनों ने मतलब आपकी सोल ने कहा कि हाँ हमारे मैस्कुलाइन सोल ही हमारे सारी कर्मा बैगेजेस को क्लीन करेंगे और हम थोड़े से कम लेंगे, हम स्पिरिचुअली अवेक होंगे, हम स्पिरिचुअल के पथ पे जाएंगे, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन सारे कर्मा साइकिल को वो पूरे करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जो उन्होंने अपने हिस्से में ज़्यादा ले लिया और आपको सारी चीज़ों से दूर रखा, ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों की मतलब बर्थ से पहले ही प्लान हो गया था, तो आप कुछ नहीं बदल सकता, जो होना लिखा है वही होगा, बट आप लोग डिवाइन मैस्कुलाइन को हील कर सकते हो, उनको सारी चीज़ों से लड़ने की एक एनर्जी दे सकते हो, आप उनको मतलब एनर्जी, ठीक है, हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को हील करके, कैसे करनी है, अपने आप को हील करके, ओके, इनर इश्यूज को हील करके। ये जर्नी सभी की अलग अलग होती है गाइस, ठीक है, सबकी अलग अलग कर्मा होती है, सबकी अलग अलग डिवाइन टाइमिंग भी होती है, और जो डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, ओके, आप लोग डिवाइन टाइमिंग का वेट करो और आप जो कर्मा अच्छे कर्म करोगे, जो इस प्रेजेंट लाइफ में जो आप लोग अच्छा कर्मा क्रिएट करोगे, उनके हिसाब से आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो आगे भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग ये मत समझना कि डिवाइन टाइमिंग पे ही हमें सब कुछ मिलेंगे, नहीं, आपके कर्मा फिक्स करेगा कि आपकी डिवाइन टाइमिंग कब होगी, तो अपना कर्मा क्लियर रखो, ठीक है, क्लीन रखो, अपने जो कर्मास जो क्लियर करते जाओ, ठीक है, अपने जो सारे जो कर्मास मैंने कहा क्लियर करते जाओ। अगर आप ये सोचते रह जाओ कि मेरे डीएम तो लाइफ में मस्त है, खुश है, इंजॉय कर रहे हैं, मेरे प्यार का तो मतलब कोई फिक्र ही नहीं है, मेरे प्यार को उन्होंने ठुकरा दिया, ठीक है, और किसी के पास चला गया, आप डीएम को कर्स करोगे, गाली दोगे, तो आपकी जर्नी और भी डिले होती जाएगी, ठीक है। आप इस प्रेजेंट लाइफ में आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा है वो क्लियर करने के मतलब जगह पे आप क्या कर दोगे, प्रेजेंट लाइफ में और कर्मा क्रिएट करते जाओगे, तो आपकी मतलब जर्नी डिले होते जाएगी, ठीक है, आप फिर से बर्थ लोगे इस अर्थ पे। अगर आपने इस लाइफ में आपने जो पास्ट लाइफ में कर्मा किया है वो सारी कर्मास को आप मतलब क्लीन नहीं करोगे, क्लियर नहीं करोगे, ठीक है, कार्मिक साइकिल को एंड नहीं करोगे, तो आपको फिर से बर्थ लेनी होगी इस अर्थ पे, ठीक है। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी
क्या होगा, लास्ट बर्थ नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग ये ट्राई करो कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमारी लास्ट बर्थ हो और हम दोनों एक साथ जहाँ से आए थे वहाँ पे चले जाए, खुश रहे और हमें इन सारी मतलब कर्मा साइकिल में नहीं फंसनी है, नहीं ये सब करनी है, ना कर्मा भोगना है, ठीक है, ना अर्थ पे आनी है। आप जहाँ से आए हो वहाँ पे आप दोनों एक साथ खुश रहोगे एक ही सोल बन के, ठीक है, ये ट्राई करो आप, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आप लोग अपना कर्मा क्लीन करो इस प्रेजेंट लाइफ में, ठीक है। ये सारी चीज़ों को सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा कि डीएम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो जो कर रहा है अपने लाइफ में वो उनका कर्मा है, ठीक है। और आप जो अपने लाइफ में कर रहे हो, जो आपको मिल रहा है वो आपका कर्मा है, ठीक है। इन सारे जो ये जो 3D प्लेनेट में जितने सारे लोग हैं सभी सभी का अलग अलग कर्मा है गाइस, ठीक है, सभी का अलग अलग जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो भी या फिर कोई नॉर्मल कनेक्शन में वो भी, ठीक है, सभी के अलग जर्नी है। वो लोग पास्ट लाइफ में क्या किए थे इसी वजह से इस अर्थ में मतलब जन्म लिया है, ठीक है, उनकी अलग अलग कर्मा से। तो आप लोग ये सारे चीज़ों को सोचते रह जाओगे तो आप अपना कर्मा कब क्लियर करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से सोचने की समझने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। इन सारी चीज़ों से लेट गो करके अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करके आपको जो भी ड्यूटी मिली है, ठीक है, आपको जो मतलब काम मिला है उस पर आप कंसंट्रेट करो, ठीक है। तो देखना कैसे अपनी जर्नी स्मूथ हो जाती है। और डिवाइन मैस्कुलिन तो बाहरी मतलब खुश दिखाते हैं ना, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ उनको गॉड को पता है, उनको पता है, वो खुद जानते हैं, ठीक है। जो आप दिख रहे हो ना वो डीएम के लाइफ में वो सारी इल्यूजन है, वो सब माया है जो आपको दिखाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मत जाओ, उसमें मत फंसो। और जो आपको अब वो जो दूसरे जो पार्टनर के साथ है वो भी एक कार्मिक साइकिल है, वो भी एक इल्यूजन है, ठीक है। उनके पास लाइफ कर्मा है जो टाइम आने पर खुद ख़त्म हो जाएगा, ये आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब प्लान है कि डीएम की लाइफ में मतलब ऐसा कोई इंसान आएगा और उन्हें मतलब लेसन सिखाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो उनके लाइफ में अभी हो रही है, वो जो झेल रहे हैं, ठीक है, ठीके? वो सारी चीज़ें उनकी एक लेसन है, उनको लर्न कराने की, ठीक है। ये टेन फ्लेम जर्नी तो लर्निंग की ही जर्नी होती है ना। आपको डिवाइन मैस्कुलिन ने जो जो ट्रिगर किए हैं वो सारे ट्रिगर्स उनको भी मिलेंगे उनके कार्मिक पार्टनर से, फिर उनको रियलाइज होगा, फिर वो अपने लाइफ को पहचानेंगे, खुद को पहचानेंगे, ठीक है। उनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, ठीक है। उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलेगा, उनके आपको प्यार के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सारी मतलब सच उनके सामने नजर आएगा, ओके। और एक बात, जब एक ट्विन सोल अपने कर्मा क्लीनिंग के लिए, ठीक है, क्लींजिंग के लिए, लर्निंग के लिए आते हैं, तो वो जहाँ से आते हैं मतलब किसी अदर प्लेनेट से हो या फिर किसी अदर डायमेंशन से, तो वहीं पे ही वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन स्पिरिचुअलिटी पथ पर जाएगा और कौन कार्मिक पथ पर। अभी आप कहोगे कि मैं भी एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मेरी भी लाइफ में बहुत सारे कर्मास है, और तो बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है, मेरे लाइफ में है, मेरे लाइफ में भी थे। और मैंने ये तो नहीं कहा ना कि एक डिवाइन फेमिनाइंस को एकदम ही कर्मा नहीं मिलते हैं, ठीक है, थीके? तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलते हैं उन्हें, एक डिवाइन मैस्कुलिन उन्हें थोड़े से टफ कर्मा मिलते हैं गाइस, ओके। आप लोगों ने अपने पास्ट लाइफ में जो कर्मा क्रिएट किए हो वही आपको इस लाइफ में क्लियर करनी होती है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी कर्मा क्लींजिंग की जर्नी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है, और ये जर्नी सबकी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग सोल पर्पस होती है। और आप इस दुनिया में आए हो, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी मिले है, ठीक है, आपको ट्विन फ्लेम जो जर्नी मिली है, ये स्पिरिचुअल जर्नी जो मिले है आपको, इसका रीजन भी अलग अलग होता है और कर्मास भी अलग अलग होते हैं गाइस, ठीक है। किसी के कर्मा जल्दी क्लींज हो जाते हैं क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ जो कर्मा बैगेजेस होते हैं ज्यादा नहीं होती है, इसी वजह से किसी का जल्दी यूनियन हो जाता है। तो आपको डीएम को अनकंडीशनल लव करनी है गाइस, ठीक है, आपको क्या करनी है, डीएम को अनकंडीशनल लव करनी है, उनको हीलिंग एनर्जी सेंड करनी है और आपको गॉड से प्रे करनी है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन जल्दी से अपना कर्मा साइकिल से फ्री हो जाए, ठीक है, और उन्हें भी ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चले, वो भी उन सारी चीज़ों को समझे, सोचे, ठीक है, उनको फॉलो करे अपने लाइफ में, उन्हें भी इनर पीस मिले, ओके। तो ऐसे आपको कहना है, डीएम को आपको गाली नहीं देनी है, ठीक है, उन्हें चेज नहीं करनी है और उनके कार्मिक पार्टनर्स को भी आपको कर्ज नहीं करनी है, उनको भी गाली नहीं देनी है, क्योंकि वो जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, जो उनके कार्मिक साइकिल में जो लोग आते हैं, ठीक है, इस जर्नी में जो
सेपरेशन में हो या फिर अभी जो ठीक है कार्मिक पार्टनर जो होते हैं उनके लाइफ में, वो आपके इस जर्नी में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। डीएम के जो आंखें खोलते हैं उनको भी बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, वो भी आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, ओके। तो आप लोगों को अब आई होप आप लोगों की आंखों की पट्टी खुल गई होगी, ठीक है। जो डिवाइन फेमिनेंस को लगता है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन तो बहुत खुश है, ठीक है, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं गाइस। आप कहोगे कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो तो अपने लाइफ में खुश है, नहीं गाइस, वो इतने सारे कार्मिक्स मतलब झेलते आ रहे हैं इतने दिनों से, इतने ईयर्स से, ओके, पास्ट लाइफ में भी, तो वो सारी चीज़ों में वो इतने ज़्यादा घुल गए कि आपके प्यार सो गए हैं उनके अंदर। तो आपको क्या करनी है, वो जगानी है, कैसे, अपनी इनर वर्क कंप्लीट करनी है, ठीक है। आप मतलब अवेक्ट रहो, ठीक है, आप अपने लाइफ में अच्छे से रहो, अपना और ज़्यादा कर्मा क्रिएट मत करो, जो सारे आपको कर्मास मिले हैं वो सारे क्लीन करो, अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत आगे जाओ, ठीक है, बहुत डीपली सोचो समझो चीज़ों को, एक्सेप्ट करो चीज़ों को, ठीक है, और यूनिवर्स से ग्रेटफुल रहो, ठीक है, आपको ये जर्नी मिली है, ओके, और डीएम को ज़रूर हीलिंग एनर्जी सेंड करना। वो अगर आपसे बात करने आए तो आप गुस्सा मत होना, आप ये मत समझना कि लो फिर से आ गया, अब हो सकता है कि थर्ड पार्टी से उनको मतलब धक्का मिला है तो मेरे पास आ गया हील होने के लिए, तो ऐसा मत सोचो। वो आता है, अच्छे से बात करो, चला जाता है चला जाए, ये उसकी मर्जी है, ठीक है, वो उसकी लाइफ है, आप इंटरफेयर मत करो उसके लाइफ में, ओके। वो ना आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है तो आप क्यों उनके लाइफ में इंटरफेयर करोगे, है ना, तो आप भी उनके लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जो उनको कर्मा मिले हैं, जो उनको ड्यूटी मिली है ना, जो उनको कर्म मिले हैं वो कर रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा या कम नहीं कर रहे, उनको जो मिला है यूनिवर्स ने, उन्हें जो मतलब ऑर्डर किया है वो कर रहा है, आप वो करो जो आपको यूनिवर्स से ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो इन सारे झमेलों में आप मत पड़ो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी गाइस। कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी और क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एंड और एक बात, आप ये वीडियो देख कर ज़रूर सोचना, ठीक है, आपके डीएम के बारे में सोचना, और आपके डीएम की फ़ोटो अगर आपके पास होगा ही, हाँ, मोबाइल पे हो तो आप देख लेना, ठीक है, देख के उनके आंखों की तरफ देखना और सोचना चीज़ों को, ठीक है, कि क्या मतलब आपको इस वीडियो को देख के सुन के ना बहुत ज़्यादा आपके डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्यार आएगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, तकलीफ़ होगा कि मेरे जो सारे कर्मास उन्होंने लिया है ताकि मुझे ना तकलीफ़ हो, ठीक है, आपके डीएम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फदरली नेचर के होते हैं, वो मैस्कुलाइन है तो फदरली नेचर के होते हैं। हमारे फदर्स कैसे होते हैं, हमारे पिताजी कैसे होते हैं कि पूरे घर की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, है ना, तो इसी तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन भी है, वो किसी और को दुख झेलने नहीं देंगे, वो सोचेंगे कि नहीं वो खुश रहे, मैं सारी कर्मा बैगेजेस ले लेता हूँ, मैं सारी चीज़ों को क्लीन करूँगी क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैं मैस्कुलिन पावर है उनके अंदर, ठीक है, एक उनके पास एक एनर्जी है, उनके पास एक पावर है जो डिवाइन फेमिनेंस में थोड़े से कम होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एकदम कम होते, नहीं कम होते हैं, ठीक है, मैस्कुलिन से कम होते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनेंस क्या होते हैं, फेमिनेंस पावर होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो झेल नहीं पाएगी, तो इसी वजह से जो सारे टफ कर्मास होते हैं वो एक डिवाइन मैस्कुलिन ले लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है, कि वो खुश रहे, वो स्पिरिचुअलिटी मतलब आगे बढ़े और मैं सारी कर्मास को क्लीन करूंगी, क्योंकि उनको एक विश्वास होता है कि मेरे डिवाइन फेमिनाइन मुझे तो हील करेंगी, वो हील होके वो मुझे एनर्जी देगी, तो सारे कर्मा क्लीन करने के बाद जो मैं डिवाइन फेमिनाइन के पास जाऊंगी और मुझे हीलिंग एनर्जी उनसे ज़रूर मिलेगी, तब मैं एकदम अच्छे से मतलब इनर पीस मिलेगी, ठीक है, तो ये उनकी सोच है, तो आप भी ये सोच रखो गाइस, ठीक है, आप भी ज़्यादा मत सोचो और अपने डिवाइन मैस्कुलिन से अच्छे से पेश आओ, उनको फॉरगिव कर दो, जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपको मतलब एक कार्मिक पार्टनर की वजह से आपको छोड़ के चला गया, जो भी किया हो, जितना भी आपको इंसल्ट किया हो, जितनी भी बड़ी से बड़ी आपको तकलीफ दिया हो, आप भूल जाओ, फॉरगिव करो, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, वो सारे प्लान है, ठीक है, वो सारे प्लानिंग करके ही आए हैं और आप भी वो जानते हो, लेकिन आपको और उनको सारी चीज़ भुला दिया गया है, तो आप लोग अभी याद नहीं है, लेकिन यही सच है, ठीक है, आप भी जानते हो कि कौन कर्मा ज़्यादा लेगा, कौन कर्मा भोगेगा, क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा वो मुझसे, क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, ये सारी चीज़ें आप जानते हो,
ओके तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, आपको जो कर्म मिले हैं आप करते जाओ, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के पद पे आगे बढ़ो, खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ में, ओके और डिवाइन मैस्कुलिन को माफ कर दो, वो सारी मतलब जो कार्मिक्स है उनको भी माफ कर दो, आपके लाइफ में जो कार्मिक्स थे या फिर है उन्हें भी माफ कर दो, ठीक है। तो समझ में आया गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग कुछ भी समझने में तकलीफ हो तो आप मुझसे कमेंट पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल।